What's up guys, welcome back to my channel, this is Jiki Thakur। तो आज बात करते हैं बिग बॉस में वीकेंड के वार की। जी हाँ, आज सलमान खान आए और उन्होंने वीकेंड के वार में जो रंग जमाया। सबसे पहले तो रुवीना का जो टास्क को लेके ड्रामा हुआ, बहुत ही भारी हंगामा ड्रामा हुआ वो। तो जिस तरीके से उसने टास्क को करने से ही मना कर दिया, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि वो बिग बॉस के फॉर्मेट के ऊपर ही क्वेश्चन कर रही हैं। और जैसे ही सलमान की एंट्री हुई और फिर सलमान और रुवीना के बीच में जो बहस चल रही थी, वाकई ही ऐसा लग रहा था रुवीना कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं है। और जिस तरीके से सलमान ने उसे समझाया, मैं एक्चुअली तारीफ करूंगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से वो समझा रहे थे कि ये फॉर्मेट है। आपको जब कोई सीरियल मिलता है, आप उसकी स्क्रिप्ट पढ़ते हो, फिर ही साइन करते हो, तो आपको अगर बिग बॉस के रूल एंड उसके टास्क के बारे में पता ही नहीं था तो फिर आपने बिग बॉस किया ही क्यों। लेकिन जितनी ही अच्छे तरीके से वो समझा रहे थे और रुवीना का बचपना उतना ही देखने लायक था। हालांकि सॉर्ट आउट हो गया बाद में, रुवीना ने अपनी गलती का एहसास माना, उसके बाद जो चीजें चल रही हैं। एक्चुअली हुआ क्या इस दौरान, जो मुझे लगा कि ये वीक में रुवीना ने जितना अच्छा काम किया है इस टास्क को मना करने के बाद, उसके ऊपर उतना ही मतलब होता है ना कि थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, तो वो एक्चुअली सलमान भाई ने भी कहा ये चीज कि ये पूरी की पूरी खीर में तुमने नमक खोलने का काम किया है, अदरवाइज ये वीकेंड तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद जितनी भी चीजें हुई, उसके बाद लोगों के ऊपर एक कचहरी वाला टास्क हुआ कि आपको कटघरे में आके खड़े होना है और इल्जाम लगाने हैं, तो रुवीना के ऊपर सबसे पहले एजाज ने इल्जाम लगाया और रुवीना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। एक्चुअली आज के एपिसोड में भी अगर देखूं तो रुवीना ही छाई रही, निकी तो कहीं दिख ही नहीं रही थी, पवित्रा कहीं नहीं दिख रही थी और कोई भी मुझे इतना खास नहीं दिखा। आज के एपिसोड जिस तरीके से सलमान ने रुवीना के ऊपर ही पूरा केंद्रित कर दिया था और जैस्मीन के ऊपर पूरा का पूरा शो केंद्रित हो गया था, वो ही दोनों ही दिख के आ रही थी। और एजाज के ऊपर गंभीर आरोप मिले जो कि रुवीना ने भी लगाए और उसके बाद जैस्मीन ने भी लगाए। हालांकि थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जैस्मीन की, वो एक्चुअली सलमान ने क्लियर की, लेकिन जिस तरीके से एजाज खेल रहा है वो भी एक्चुअली काबिल तारीफ नहीं है। एक्चुअली उसने गलत खेला है और जिस तरीके से चीजें हो रही थी, सलमान ने जान को भी थोड़ा डांट लगाया, हंसी मजाक में ही डांट लगाया, लेकिन समझने वाले सब समझ आते हैं कि जान को किस तरफ इशारा किया है। और निकी को भी बातों ही बातों में उन्होंने समझा दिया है। ये अभी दूसरा वीक था, शायद इतने ज्यादा सख्त नहीं होंगे बिग बॉस वाले और सलमान, क्योंकि आगे जाके चीजें और ज्यादा कठिन हो सकती हैं, ये पता लग जाएगा। क्योंकि अभी जितनी शरीफी से या जितने अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं, आगे जाके चीजें वैसी नहीं रहेंगी। हालांकि पहले दो वीक में ही इन लोगों ने काफी सारे हंगामे कर दिए थे, जिनको क्लियर करना बार बार बिग बॉस का और सलमान का काम नहीं है, इनको खुद ही क्लियर करने पड़ेंगे। और राहुल ने भी इस हफ्ते काफी अच्छा किया था, एंटरटेन किया था लोगों को, और जो कि सीनियर्स ने भी मतलब काफी अच्छे तरीके से उसका सपोर्ट किया था, तो उसको भी थोड़ा अप्रिशिएशन मिला। लेकिन मुझे जान, निशांत और अपना राहुल, ये तीनों इतने ज्यादा मुझे इम्पैक्ट नहीं दे रहे थे आज के शो में। और जिस तरीके से पवित्रा भी आज शांत बैठी हुई थी, मुझे लगा कि इसका भी आगे आने वाले वीक में कुछ दिखे ना दिखे, लेकिन थोड़ा सा इसको भी समझ आ चुकी होगी कि फॉर्मेट एक्चुअली में है क्या। तो आज का शो पूरा का पूरा रुवीना, जैस्मीन और एजाज के नाम ही हम कह सकते हैं। सीनियर्स को कोई भी ज्यादा डांट नहीं पड़ी। कल फिर बिग बॉस में सलमान आएंगे और तीन लोगों को जो बॉटम थ्री में है, अभिनव और जान और शहजाद देओल, इन तीनों में से एक को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, शायद ही दिखाएंगे। क्योंकि शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लग रहा कि इन तीनों में से एक अभी जाने के लायक है, क्योंकि तीनों के तीनों का जो परफॉर्मेंस है एवरेज है, लेकिन है, दिख रहा है, तो शायद ये वीक थोड़ा माफ कर दें। लेकिन आज पता चलेगा, आज का नाइट में जो शो आएगा उसके बाद ही ये पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैं इसका भी आपको अपडेट दूंगा। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।